रानी नाम है मेरा। अपनी उम्र के बारे में बताते हुए रानी की आंखें नम हो जाती हैं। 37 है। दिल्ली में रहने वाली रानी 37 साल की है और छठी क्लास में पढ़ती है। जब वह 13 साल की थी तभी घर वालों ने उनकी शादी करा दी और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। बहुत सोचा कि पढ़ूं, स्कूल नहीं था मेरा कहीं पे भी नहीं। फिर अखबार में इनके स्कूल के बारे में देखा जहाँ मैं काम करती हूँ। फिर उनने मुझे बताया कि अखबार में ये आया है कि दुबई नगर में INA के पास एक स्कूल है, तुम लोग पढ़ सकते हो वहाँ। फिर पता किया तो बेटे के साथ आई, फिर यहाँ आके एडमिशन किया मैम ने, फिर मेरा एडमिशन हो गया। मैं पढ़ती हूँ यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके पढ़ रही हूँ। जो चीज़ नहीं पता थी वो पता हो रही है मुझे और सीख भी गई हूँ पढ़ना, तो खुशी मिल रही है। दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में डे टाइम सेकेंडरी स्कूल 1990 में महिलाओं के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र के रूप में शुरू हुआ था। यहाँ सामान्य उम्र की छात्राओं के साथ बड़ी उम्र की महिलाएं भी पढ़ रही हैं। इसका मकसद उन महिलाओं को शिक्षा देना था जिन्हें बचपन में सामाजिक दबाव, पैसों की कमी या फिर किसी और वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। कुछ महिलाओं ने 30 साल से ज़्यादा उम्र होने के बाद इस स्कूल में पढ़ना शुरू किया। अब नहीं पढ़े ना, अब थोड़ा काम, वही तो घर के समस्या हो जाते तो आना जाना थोड़ा कम हो गया। टाइम के मतलब यहाँ भी 10 बजे आना पड़ता, 3 बजे छुट्टी होती थी यहाँ से, उतना टाइम तक तो हम लोग रह नहीं पाते थे। घर भी संभालना पड़ता है और हमारा ये फल फ्रूट का काम है तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है, उसमें भी निकाल धर करना पड़ता है। अब अकेला इंसान तो कोई कर नहीं पाएगा अकेले कुछ, इसलिए उसमें थोड़ा हाथ बटाना पड़ता था। पढ़ाई छूट गए थे, हम सबसे बड़ी थे, हमारी मम्मी बच्चे छोटे छोटे थे तो भाई बहन कुल होता परेशान होने लगा, तो फिर हम हमारी पढ़ाई छूट गई। इस स्कूल में टीचर हर विषय को इस तरह पढ़ाते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। मैं साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं तो उनको बेसिक पे पहले बेसिक्स क्लियर करना पड़ता है जैसे साइंस का, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। जनरल स्टूडेंट्स जो एज ग्रुप वाइज मतलब अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे पास 50 ईयर्स एज की भी लेडीज़ आती हैं, 40 ईयर्स की भी, और बाकी नॉर्मल बच्चे भी हैं, तो उस हिसाब से हमें देखकर अपना लेसन प्लान तैयार करना पड़ता है। ये होता है कि थोड़ा सा हमें उनके लेवल पे जाकर एक्सप्लेन करना पड़ता है।